में दबंगों के हौसले आए दिन बुलंद देखने को मिल रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के ग्राम विजयपुरा का है। गांव के ही रहने वाले राम प्रकाश ने बताया कि मेरे बुजुर्ग पिता परिवार के साथ गांव में निवास करते हैं। वहीं पर पास में ही गया प्रसाद अपने परिवार के साथ निवास करता है, जो अपनी गुंडई के दम पर जमीन पर अवैध कब्जा करना चाह रहा है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाने के चक्कर काटने के बावजूद भी पुलिस इस मामले की कोई सुनवाई नहीं कर रही। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हम लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है और पुलिस दबंगों का साथ दे रही है। दबंग लोग जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों में दबंग की दबंगई से भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोग अपनी जान दे देंगे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ था? सर, हमारी जमीन पर गया प्रसाद जबरन कब्जा कर रहे हैं। सर, हमारी दीवार को गिरा दिया जबरन, ये गड्ढा खोदकर इसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं। पहला काम इन्होंने हमारी नाली तोप दी सर, नाली पानी बंद कराया। उसके बाद में इन्होंने ईटा गिरवाया, जबरन हमारे मकान पे कब्जा करने की कोशिश करी पूरी। उसकी बुनियाद इन्होंने बुनियाद तक खोद डाली सर। जब रोका 100 नंबर पुलिस भी आई तब काम रुकवा कर गई सर। कौन सा गांव लगता है ये? ग्राम विजयपुर पर लगता है सर, पोस्ट बनी पारा, जिला कानपुर देहात, रूरा थाना। इसकी लिखित सूचना आपने दी थी? जी सर, मैंने रूरा थाने में सर दी है और SDM साहब को भी दी है, DM साहब को दी है, कप्तान साहब को दी है, AG साहब को दी है सर। सभी जगह सर दौड़ रहे हैं लेकिन निराश होते हैं सर। हमारी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। बस वो कहते हैं कि थाना दिवस में आइए, थाना दिवस में गए, कोई हमारे कोई जवाब नहीं मिला है, ना ही कोई यहाँ पर अभी तक आया है। दरोगा जी आए हैं, बस आश्वासन दे के चले गए कि फिर थाना दिवस में दोनों पार्टी आई है। कितने दिनों से आप दौड़ भाग कर रहे हैं? 22/9/2020 से हम दौड़ रहे हैं सर। सुनने में आ रहा है जान से मारने की धमकी? जी सर, हाँ, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। बाहरी लोग भी मारने आए हैं। रात में 10-10, 15-15 लोग आते हैं लाठी डंडे लेके और वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं सर। बहुत परेशान।